हमें जो अनुसंधान करना अभी इनसे बाकी है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जो पता चला है उसमें ऋतिक बॉक्सर नामक व्यक्ति जो 2021 में भी इंद्र कुमार हिसारिया को धमकी देने के आरोप में वो आरोपी रहा हुआ है, उसका चालान किया है और वो 5 वर्ष के लिए सजा याफ्ता है और अपील के दौरान उसको जमानत मिली है, वो जमानत पे है अभी। उसका नाम सामने आ रहा है, सोशल मीडिया पे उसने क्लेम किया है कि ये वारदात मैंने कराई है, लेकिन अभी इसका वेरिफिकेशन होना शेष है। वो स्वयं अपने आप को लॉरेंस ग्रुप का होने का दावा कर रहा है, बट अनुसंधान से ये बात स्थापित करना अभी शेष है। फिरौती के लिए मिस्टर इंद्र कुमार हिसारिया के फ़ोन पे एक वॉइस कॉल के माध्यम से एक मैसेज आया जिस पे उनसे 2 करोड़ रुपए फिरौती की डिमांड की गई। इन्वेस्टिगेशन में आते ही सबसे पहला हमारा कदम होगा उसकी जमानत को कैंसिलेशन के लिए हम आवेदन पत्र लगाएंगे, तुरंत प्रभाव से उसकी जमानत कैंसिल कराने का प्रयास करेंगे और मुकदमे में अनुसंधान करके हम उसको आरोपी बना के शीघ्र दस्तयाब करेंगे। ये कुछ फॉलोअर्स को हमने आइडेंटिफाई किया है, हमारी अभी प्रायोरिटी इनको पकड़ना था, फॉलोअर्स पे हम कार्रवाई बाद में करेंगे। वो हमारी नोटिस में हमने कुछ लिस्टिंग की है, कमिश्नरेट पुलिस जयपुर ने चूंकि फॉलोअर्स की जो लिस्टिंग हुई है उनमें से कुछ लोगों को दस्तयाब करके पूछताछ भी की है, वो ऑलरेडी पुलिस उस लेवल पे काम कर रही है और हम भी इनके फॉलोअर्स को ला करके पूछताछ करेंगे उनसे। कुछ को हमने आइडेंटिफाई कर रखा है, जो लोग सीधे इनको शरण देने में इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे और उनको इस केस में बुक भी करेंगे। इससे सबसे पहले हमने घटना को जैसी घटना घटी उसको पूरा पूछताछ में एस्टाब्लिश कराया ताकि ये कन्फर्म हो जाए कि ये घटना इसके द्वारा ही की गई है। तो घटना का जो भी घटनाक्रम था उसको हमने रिक्रिएट यहाँ बैठ करके किया कि कैसे कैसे घटना घटी, मिनट टू मिनट घटना को के कड़ियों को जोड़ा, तो वो सब वेरीफाई हो गया कि ये इन्वॉल्व है, उसके बाद ही उसकी गिरफ्तारी की। जाकिर को इतना ज़्यादा मालूम नहीं है, जाकिर मोटरसाइकिल चालक था, उसकी मोटरसाइकिल इसमें यूज हुई है, वो मोटरसाइकिल चला रहा था, फायरिंग इन दोनों ने की है, युद्धवीर ने और महकदीप ने। ज़्यादा जानकारी महकदीप के पास है क्योंकि युद्धवीर को भी महकदीप ही लेके आया था। अब इनको जब डिटेल इंटरोगेशन करेंगे तो ये बात आगे निकल के आएगी कि क्या इनका आगे किसी गैंग से लिंक है। युद्धवीर का अभी रिकॉर्ड हमें प्राप्त नहीं हुआ है, महकदीप के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हैं नई मंडी घड़साना में, जिसमें एक मुकदमा 302 का है, एक मुकदमा 377 का है, जो अभी प्रारंभिक पूछताछ में जानकारी में आया, लेकिन अभी ये वेरीफाई करना शेष है। क्योंकि जाकिर से जहाँ तक पूछताछ हुई है उसको ज़्यादा डिटेल मालूम नहीं है, ये सब मालूम जो डिटेल है वो महक और युद्धवीर जो कि दोनों फायरिंग करने वाले यही थे, इनसे जब डिटेल पूछताछ होगी जब सामने आएगा। लेकिन घटना को प्राइमा फेसी अगर एनालाइज करें तो जिस तरह से घटना घटी आप देखेंगे कि लगभग 45 से 50 फीट दूर से फायरिंग की गई है और जिस तरह के जो हथियार काम में लिए गए हैं उनकी मारक क्षमता इससे ज़्यादा होती भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में किसी को मारना प्राइमा फेसी लगता है कि पर्पज नहीं था, इसका पर्पज केवल दहशत फैला करके पैसे वसूलना था। इस घटना पर्टिकुलर घटना के विषय में इनपुट नहीं मिला था, जनरल इनपुट था कि इस तरह का गैंग सक्रिय है और कोई वारदात हनुमानगढ़ में कर सकते हैं। सर जो रैकी इन्होंने की है जहाँ कोई कहानी है उसमें सामने आया कोई इसमें साथ मिला हुआ हो? नहीं, अभी तक जानकारी भी नहीं है। कब से नहीं रेकी नहीं है, तो उसी दिन आए थे, शाम को आके रेकी की और सुबह वारदात कर रहे हैं, ये घरसाना से आए थे। भी प्राइमा फेसी तो उनकी परिवार को हमने सुरक्षा मुहैया कराई है और इन्वेस्टिगेशन जैसे कंक्लूड होगी तो हम उसके बाद में ये तय करेंगे कि वाकई में इनको सीरियस थ्रेट है या ये लोग केवल एक्सटॉर्शन के नाम पे बड़े गैंगों का सहारा लेकर के केवल अपने लेवल पे ही ऑपरेट कर रहे हैं या किसी बड़े गैंग का इन्वॉल्वमेंट है, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद। उसके लिए हम समय समय पर नाकाबंदी कराते हैं, एमबी एक्ट के तहत भी रेगुलर हम चालान करते रहते हैं और जो बिना नंबरी मोटरसाइकिलें स्पेशली और जो लड़के मुँह बांध करके घूमते हैं उनके खिलाफ हम समय समय पर विशेष ड्राइव चलाते भी रहते हैं। अर्दात के बाद ये यहाँ से निकले, निकलने के बाद में चूना फाटक तक साथ गए, उसके बाद में चूना फाटक पे इन्होंने महकदीप को बस में बिठा दिया, उसने कहा कि मुझे बस में जाऊंगा और ये दोनों मोटरसाइकिल लेकर के निकल गए। तब तक नाकाबंदी का वो हो चुका था तो नाकाबंदी में ये विजयनगर में इनकी मोटरसाइकिल पकड़ी गई। तो चूंकि जो डिटेल्स थी वो उस समय हमारा कर्मचारी जो विजयनगर का रहा होगा वो एग्जैक्ट उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाया, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के अभाव में इनकी मोटरसाइकिल वहीं सीज कर। पीलीबंगा थाने के 3 कर्मचारियों को हमने सस्पेंड किया है और 2 कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रस्तावित की है, क्योंकि जो विजयनगर जाके पकड़ा जाना था वो हिसाब से पीलीबंगा में ही पहले ट्रेस होना चाहिए था, क्योंकि इनके पूछताछ में जो आया है इन्होंने जो पीलीबंगा के सामने रूट लिया है
और चूंकि पीलीबंगा थाना हमारा मेन रोड पे है और मेन रोड के सामने ही नाकाबंदी लगती है थाने के सामने, तो इतने कम समय में थाने के सामने नाकाबंदी लग जानी चाहिए थी, क्योंकि हमारी क्वेस्टी जो थी वो प्रॉपर टाइम में हो गई थी। उच्च अधिकारियों ने मौका प्रॉपर टाइम में देख लिया था। जब हम सब मौके पर थे तो थाने को अलर्ट रहना चाहिए था, थाने की लापरवाही रही है, इसलिए 3 कर्मचारियों को निलंबित किया। उनमें एक ASI है, एक धीर सिंह करके ड्राइवर है और एक कांस्टेबल है।